हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स। आज हम पहुँचे हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल। आपको आज विक्टोरिया मेमोरियल हम घुमाएंगे अपने चैनल पर। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ इसमें हम देने वाले हैं। और हमारे चैनल के और भी वीडियो देखिए, अच्छे लगें तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैब है, तो सुपर थैंक्स ज़रूर खरीदिए। हमारे वीडियो बनाने में काफ़ी समय और पैसे लगते हैं, तो हमारे एफर्ट्स को इनक्रेज करने के लिए सुपर थैंक्स को ज़रूर खरीदिएगा, जो कि हर वीडियो के नीचे मिल सकता है। तो आइए अब हम चलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल में आपका स्वागत है और वेलकम का बोर्ड है, और उसमें एक गेट भी है। और इधर देखिए कैनन्स भी रखी हुई हैं, विच टेल अबाउट द पावर द ब्रिटिश एम्पायर विल्डेड, ब्रिटिश राज की जो पावर थी उसको दिखाते हुए। और देखिए डोमिशियन, एक इधर स्टैचू है डोमिशियन, ये पीछे आप देख सकते हैं। और जो गेट है पीछे उस पर लिखा हुआ, मैं दिखाता हूँ, देखिए ये गेट है, इस पर लिखा है एडवर्ड 7 रेक्स इम्परेटर। तो ये है एडवर्ड 7 रेक्स इम्परेटर के नाम से बना हुआ गेट। और ये हम चलते हैं आगे, तो बैक कैमरे से आपको हम पूरा विक्टोरिया मेमोरियल का जो भव्य भवन है वो पूरा दिखाते हैं। चलते हैं आगे की ओर, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। ये है मेमोरियल गेट जिसके बारे में हम बता रहे थे, एडवर्ड 7 रेक्स इम्परेटर। ऊपर बैठे हुए हैं घोड़े पे सवार, और पीछे दिख रहा है विक्टोरिया मेमोरियल का भवन, देखिए और साफ दिख रहा है। अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और नीचे जो है ज़मीन पर गोल चिकने पत्थर हैं जो कि जनरली नदियों में पाए जाते हैं, और वो एक अलग प्रकार की आवाज़ निकाल रहे हैं। और इधर है गार्डन। अब हम विक्टोरिया मेमोरियल के और नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो आप इस भवन की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर। यहाँ कलकत्ता में जो सैलानी आते हैं उनका मस्ट विजिट प्लेस है ये, यहाँ पे वो ज़रूर आते हैं। अभी देखिए पूरा बिल्डिंग आपके फ्रेम में आ गया, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता। हम यहाँ 2 मिनट रुक जाते हैं जिससे कि आप बिल्डिंग का अवलोकन कर सकें। देखिए लेफ़्ट टू राइट बिल्डिंग ये पूरा फ्रेम में आ गई हमारे। और अभी हमने थोड़ा और नीचे गया कैमरा, तो ऊंचाई में भी इसका जो शीर्ष है प्लिंथ से शीर्ष तक पूरा आपके फ्रेम में इस समय आ रहा है। यह है विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, विश्व प्रसिद्ध स्मारक। इसमें म्यूज़ियम भी है अंदर, यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के आर्टिफैक्ट्स रखे हैं जो आप देख सकते हैं, टिकट उसका अलग से है। विक्टोरिया मेमोरियल पावरफुल ब्रिटिश राज का प्रतीक है और उसके वैभव को दर्शाता है। और इसका पूरा नाम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और ये कलकत्ता का एक आइकन है, क्वींस वे पे सिचुएटेड है। देखिए इसके आप नज़ारे उठाइए। इसका अवधारणा जो है लॉर्ड कर्जन ने की थी, जो वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के, डिजीज्ड क्वीन विक्टोरिया के मेमोरियल के तौर पर। और ऐसा माना जाता है कि ये विश्व में कहीं भी किसी भी रॉयल पर्सनालिटी के लिए सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। इसका जो गार्डन है 64 एकड़ का है, और इसके अंदर म्यूज़ियम भी है जिसका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास है। म्यूज़ियम में आप जा सकते हैं टिकट लेकर। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी इस वीडियो में विक्टोरिया मेमोरियल का और डिटेल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो देखिए रहिए
इस वीडियो को अंत तक जरूर। अब और पास से देखिए बिल्डिंग को, एकदम पास पहुंच चुके हैं। ये बाएं तरफ से दाहिने तरफ बिल्डिंग का व्यू और परिसर के अंदर लोग जमा जो कि इसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इस सुंदर इमारत को निहार रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और जितना हो सकता है आपको हम दिखाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। संग्रहालय म्यूजियम के बारे में लिखा है, अंदर है इस बिल्डिंग के। ये देखिए गेट दिख रहा है सामने, पोर्च दिख रहा है, इधर से संग्रहालय का रास्ता है। अंदर आप जा सकते हैं, संग्रहालय को देख सकते हैं। यहाँ पर ये बता दें कि बिल्डिंग सिमेट्रिकल है, चारों दिशाओं से इसका व्यू एक जैसा है, आर्किटेक्चर एक जैसा है। तो आप किसी भी तरफ से देखिए बिल्डिंग को, देखिए हम दूसरी तरफ पहुँच गए हैं। यहाँ भी वैसे ही है, फसाद कह लीजिए, बिल्डिंग का फसाद जो है वैसे ही है। देखिए साइड से अब हम फिर जो मेन साइड सामने का साइड है वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं और यहाँ से और अच्छा लुक मिलेगा क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। और लेफ़्ट साइड में कैमरा करके आपको लॉन भी दिखाते हैं, लॉन कितने सुंदर हैं। इधर लॉन है, विक्टोरिया मेमोरियल लॉन्स, लोग बैठे हैं लॉन्स में। और दाहिने है ये विक्टोरिया मेमोरियल, भव्य बिल्डिंग विक्टोरिया मेमोरियल की, अत्यंत आलीशान देखने लायक। ऊपर देखिए मदर मैरी गेट के ऊपर, जो झंडे के नीचे आप देख सकते हैं मदर मैरी। और ये मेन एंट्रेंस है विक्टोरिया मेमोरियल का।